मेटावर्स मेटावर्स मेटावर्स, कुछ दिनों से आपने ये कंसेप्ट इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर या कहीं अपने दोस्तों में सुना ही होगा। मेटावर्स है क्या? अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए कितना ज़्यादा ये एफिशिएंट है, और अगर आप मार्केटिंग के हवाले से देखा जाए तो फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग इसमें कैसा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अजीज रहमान। 2 महीने पहले ही फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके मेटा रख दिया। वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ एक सोशल मीडिया कंपनी नहीं, वो एक पूरा फ्यूचर है। मेटावर्स का कंसेप्ट बहुत ज्यादा पुराना नहीं, आपने अगर रेडी प्लेयर 1 मूवी देखी है तो उसमें ये सारा कंसेप्ट आपको आसानी के साथ एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं आपकी आसानी के लिए आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। मेटावर्स एक ऐसा कंसेप्ट है, यानी आपकी VR वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और आपके फिजिकल वर्ल्ड को कंबाइन करके आपको एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, जिसे मेटावर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं इस फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ, या मैं यहाँ से बाय ट्रैवल करके जाता हूँ, या मैं किसी भी काम में जाता हूँ तो मैं फिजिकल उस जगह पहुँच जाता हूँ। लेकिन मेटावर्स का कंसेप्ट ये है, आप कोई भी काम करना चाहेंगे तो आप घर बैठकर सिर्फ एक हेडसेट लगाएंगे, चाहे आपने जॉब पर जाना है या आपने कोई एंटरटेनमेंट करना है, यहाँ तक कि आपने अपने फिटनेस कोच से कोचिंग लेनी है, तो सिर्फ आपने हेडसेट लगाना है और आप उस काम के लिए रेडी हो जाएंगे। अगरचे वो वर्क आप फिजिकल वर्ल्ड में नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में उसका एक्सपीरियंस आपको जरूर हो रहा होगा। मेटावर्स से एक तो आपकी लिमिटेशन कम हो जाएंगी, यानी आपने जिस जगह जाना है, आपने जिससे ऐसे बात करनी जैसे हम फिजिकल बैठकर किसी के साथ बात करते हैं, वैसे आपने करनी है तो आप वैसे कर सकते हैं। आपने अगर जॉब पर जाना है तो आप घर बैठे अपने बॉस के साथ मीटिंग कर सकते हैं। बेसिकली ये मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है, यानी आपको फिजिकल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड की तरफ लाया जाए, और जब ये फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होगा तो आपको और ज्यादा आसानी से ये एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम अपने फायदे की बात करते हैं, यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेटावर्स कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। जब डिजिटल मार्केटिंग आई थी तो सबसे ज्यादा जो बूम आया था वो ई कॉमर्स का आया था। इसी तरह अब जब मेटावर्स आया है तो इसमें सबसे ज्यादा जो बूम आएगा वो डिजिटल गुड्स का होगा। यानी आप फिजिकल गुड्स तो परचेज करते हैं, उसे एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जब आप मेटावर्स में होंगे तो आपको फिजिकल गुड्स की जरूरत नहीं होगी, आपको डिजिटल गुड्स की जरूरत होगी, और वहाँ आप जाकर परचेज कर सकते हैं। वहीं पर उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, वहीं पर उसकी मार्केटिंग और वहीं पर उसकी सेलिंग हो रही होगी। इसलिए मेटावर्स को हम मार्केटिंग की एक नई इवॉल्वमेंट यानी एवोल्यूशन कह सकते हैं, और मार्केटिंग का ये फ्यूचर है। मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप की मार्केटिंग आप मेटावर्स में जाकर कर सकते हैं। मार्केटिंग थ्रू डिजिटल स्टेट्स, जब आप बाजार जाएं या रोड पर जा रहे हो, गाड़ी में बैठ रहे हो, तो आपने देखे होंगे कि मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइज करने के लिए बिल बोर्ड लगाए होते हैं, या मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए आपको रोड पर ही एडवर्टाइज किया जा रहा होता है। फिजिकल वर्ल्ड में तो ये चीजें आपको नजर आ रही होती हैं, आप उसे देख रहे होते हैं। फिजिकल वर्ल्ड की तरह जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर होंगे तो वहां पर भी बहुत सी एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी हो रही होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी जगह जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सी शॉप्स होंगी जहाँ पर प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, प्रोडक्ट्स के डेमो पड़े होंगे, जिससे प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो रही होगी। इसी तरह वहाँ जाकर आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और यहाँ तक के उस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। मार्केटिंग थ्रू गेम्स, कुछ अर्सा पहले जब गेम्स इतनी ज़्यादा एडवांस भी नहीं थी और जब हम गेम्स खेलते थे तो हमारे पेरेंट्स इसे वेस्ट ऑफ टाइम कहते थे, लेकिन टाइम के साथ जब ये और ज़्यादा एडवांस हुई और ये और ज़्यादा इंटरेस्टेड हुई, बल्कि बहुत से लोगों ने गेम्स के जरिए अर्निंग करना भी स्टार्ट कर दी, और आज के दौर में गेम इंडस्ट्री खुद एक बहुत बड़ी $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। और मेटावर्स में एक बहुत बड़ा सोर्स वो गेमिंग सोर्स होगा, जिससे आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर गुची ने अपनी रिसेंटली एक गुची गार्डन के नाम से अपनी गेम टाइप ही लॉन्च की है, जिसमें आप उसकी सब्सक्रिप्शन खरीद कर वहां पर जा सकते हैं और आपका एक अवतार होगा, और उस अवतार के जरिए आप गुची की मुख्तलिफ प्रोडक्ट को, उसकी मुख्तलिफ क्लॉथ्स को एक्सपीरियंस कर सकेंगे और देख सकेंगे कि आपके अवतार को कौन से एसेसरीज या कौन से प्रोडक्ट या कौन से क्लॉथ अच्छे लगते हैं,
आपका अवतार उसको एक्सपीरियंस कर रहा होगा। इसी तरह फोर्टनाइट भी मेटावर्स में एक नई रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है और बहुत सी ऐसी गेम्स आ रही हैं जिससे आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग उन गेम के साथ कोलैब करके बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया, जिस तरह अब हम अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, यानी अगर हम किसी ब्रांड के कपड़े पहने तो पिक्चर खींच कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, या शूज़ पहने या कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो हम उसे एज ए फ्लैक्स करने के लिए हम सोशल मीडिया पर उसकी पिक्चर पोस्ट कर लेते हैं। इसी तरह जब अब मेटावर्स में होंगे तो सोशल मीडिया का एक नया कंसेप्ट होगा, इसको और ज़्यादा जिद्दत मिली होगी। मिसाल के तौर पर आप अब किसी दोस्त के सामने बैठकर बात कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी में, तो आपने किसी डिजिटल गुड्स आपके पास होगी है, वो क्लॉथ की सूरत में हो सकती है या कोई शूज़ या किसी भी चीज़ में हो सकती है, तो वो लोग आपको देखकर और ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। यानी सोशल मीडिया का भी कंसेप्ट चेंज होगा, सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर नाइकी ने अपना एक वर्चुअल शूज़ का कंसेप्ट लाया है जो कि आप मेटावर्स में जाकर एज अ डिजिटल गुड्स खरीद सकते हैं और ऑगमेंटेड रियलिटी में जाकर उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मार्केटिंग थ्रू इवेंट्स, जिस तरह फिजिकल वर्ल्ड में इवेंट हो रहे होते हैं, हम इवेंट में जाते हैं, वहाँ जाकर हम टिकट परचेज करते हैं और इवेंट में चले जाते हैं, चाहे वो एजुकेशनल इवेंट हो, इंटरटेनमेंट हो या व्हाट्सएवर जिस मर्जी चीज का इवेंट हो। इसी तरह अभी कुछ ही वीक पहले जस्टिन बीवर का एक इवेंट हुआ था जिसमें बहुत से लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मजे की बात यह है कि वो इवेंट मेटावर्स पर हुआ और आप जस्टिन बीवर को अपने सामने वर्चुअल रियलिटी में देख रहे थे और इंजॉय लोग कर रहे थे। इसी तरह ये कंसेप्ट भी आगे जाकर कॉमन हो जाएगा। मिसाल के तौर पर डिजिटल स्टेट में आपने कोई जगह खरीदी हुई है, एग्जांपल के तौर पर यहाँ रावलपिंडी स्टेडियम है, वहाँ पर आपने रावलपिंडी स्टेडियम डिजिटल स्टेट में परचेज कर लिया। अब जो भी शख्स अपना इवेंट रावलपिंडी स्टेडियम में करवाना चाहेगा वो आपसे परमिशन लेगा या आपको उसके बदले पे करेगा। और बहुत सी कंपनियां जो कि अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करवानी होगी वो आपके पास आएंगी, आपकी वेबसाइट पे जाएंगी, आपके मेटावर्स पे चली जाएंगी और आपको पे करेंगी उस इवेंट के लिए या उस प्रोडक्ट के लिए। आप इस तरीके से भी मेटावर्स से अर्निंग कर सकते हैं और मार्केटिंग का एक ये बहुत बड़ा सोर्स है जिसके जरिए आप मेटावर्स में जाकर बहुत ही एक अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। इसी तरह फ्यूचर में मेटावर्स में बहुत ज्यादा और ऐसे कंसेप्ट आ रहे हैं जिनकी आपको अभी समझ शायद ना लगे, लेकिन फ्यूचर में शायद आप उसके साथ यूज टू हो जाए। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक और ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।